मूवी की शुरुआत में हम एक झील के किनारे बैठे आदमी को देखते हैं जो कि फिशिंग करके मछलियों को काट रहा होता है कि तभी उसकी एक उंगली कट जाती है। इसलिए वो खड़ा होकर अपना ब्लड पानी में गिराता है, तभी झील से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है जिसे देखकर वो आदमी काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और वो ड्रैगन उसे खा जाता है। अब हम एक छोटे से टाउन को देखते हैं जिसका नाम बावर मिल्स अलास्का होता है। उस टाउन में सिर्फ 300 लोग ही रहते हैं जिसमें जनरल स्टोर से लेकर रेडियो सेंटर तक की हर एक फैसिलिटी होती है। अब वहीं पर हमारी मुलाकात हैम्पटन नाम की एक रेडियो जॉकी से होती है जो कि रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करती है कि एनुअल सोशल फेस्टिवल को 2 दिन बचे हैं, इसलिए सभी लोग अपना अपना काम निपटाकर साल के सबसे बड़े फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाए। वहीं अब हम एक क्लेयर नाम की लेडी को देखते हैं जो इस टाउन में अपना एक कैफे चलाती है। उसी वक्त वहां पर एक जैक नाम का आदमी आता है जो कि इस टाउन में नया होता है। दरअसल कुछ महीनों पहले उसके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसका भाई मारा गया, इसलिए अब वो कुछ महीने यहीं पर रुककर अपने ट्रक का इंश्योरेंस क्लेम होने का इंतजार कर रहा है। अपनी रोजी रोटी का गुजारा करने के लिए वो इस टाउन में कुछ छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम करता है जिससे एक दिन उसके हाथ में चोट आ जाती है, इसलिए डेविड नाम का एक डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आता है। इसके बाद डेविड अपनी कुछ खास मीटिंग के लिए दूसरे शहर की ओर निकल जाता है, लेकिन बीच में उसे टॉयलेट आने लगती है इसलिए वो जंगल में ही गाड़ी रोककर पेशाब करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी उसे पेड़ों के ऊपर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तभी वो ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है लेकिन डेविड नीचे झुक जाता है इसलिए वो बच जाता है। अब वो काफी डर जाता है और भागते हुए गाड़ी में जाता है और जैसे ही उसे स्टार्ट करने वाला होता है कि वो ड्रैगन उसे बाहर खींच लेता है। दूसरी ओर जैक अपने घर पर बैठा कॉफी पी रहा होता है, तभी वहाँ पर टाउन का शेरिफ चीफ आता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें जंगल से किसी के गोली चलाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों गाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। दरअसल वो गोली एक हास नाम के आदमी ने चलाई थी जिस पर वो ड्रैगन अटैक कर देता है और जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो हास को काफी डरावा पाते हैं। हास उन्हें बताता है कि एक बड़े से ड्रैगन ने मुझ पर अटैक किया था, लेकिन वो दोनों उसकी इस बात पर यकीन नहीं करते हैं क्योंकि हास बहुत कम नींद लेता है और वो सोचते हैं कि ये उसका नींद नहीं लेने का साइड इफेक्ट है। लेकिन जब वो उसे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से जाने लगते हैं तभी उन्हें एक हाथ कटा हुआ दिखाई देता है जो कि डेविड का होता है। जैक उसे देखते ही पहचान जाता है और अब शेरिफ रेडियो से अपनी टीम को बुलाता है। अब जैक और शेरिफ हास के साथ कैफे में जाते हैं और सभी को बताते हैं कि कोई अनजान जानवर हमारे टाउन में आ चुका है और उसने डॉक्टर पर हमला किया है, लेकिन हमें अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है, इसलिए आप सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। ये सब सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। दूसरी ओर हम इसी टाउन के पास में रहने वाले एक कर्नल को देखते हैं जो कि अपनी छत पर खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर एक जानवर की डेड बॉडी आकर गिरती है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अंदर जाकर अपने बाइनोकुलर्स को लाता है और आसमान में देखने की कोशिश करता है कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। तभी उसे वो उड़ता हुआ ड्रैगन दिखाई देता है जिसे देखकर कर्नल वहाँ से भागता है और अपनी गाड़ी लेकर टाउन की ओर निकल जाता है। तभी वो ड्रैगन उसकी गाड़ी के ऊपर से निकलता है, इसलिए कर्नल अपनी गाड़ी रोकता है और गन लेकर उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। अब कर्नल टाउन में जाता है जहाँ पर सभी लोग फेस्टिवल की तैयारियां कर रहे थे। कर्नल गाड़ी में बैठी इंस्पेक्टर सुसी को बताता है कि मुझे तुरंत शेरिफ से बात करनी है क्योंकि मैंने अभी अभी एक एलियन को आसमान में उड़ते हुए देखा है। सुसी यह सुनकर कर्नल को कहती है कि आपकी तबीयत सही नहीं है, पहले आपको घर जाकर अच्छी नींद लेनी चाहिए। कर्नल उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने सच में एक बड़े से एलियन को देखा है, लेकिन तब भी वो उसकी बात नहीं मानती है तो वो भागते हुए हैम्पटन के पास जाता है और उसे एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो भी उसे मना कर देती है। वहीं दूसरी ओर शेरिफ एक दूसरी जगह पर जाता है जहां से उसे कुछ इमरजेंसी मैसेज मिले थे, लेकिन तभी वो वहां पर पड़े ब्लड से फिसल कर नीचे गिर जाता है। तब वो देखता है कि वहां पर कई सारे आदमियों को उस ड्रैगन ने मार दिया है जिन्हें देखकर उसे वॉमिटिंग होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर कर्नल की बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए वो वहां से वापस निकल जाता है और बाकी सब लोग अपने फेस्टिवल की तैयारी में लग जाते हैं। हैम्पटन अंदर बैठी गाना गा रही थी तभी उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तब हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने एयर स्टूडियो पर अटैक कर दिया है। ये देखकर हैम्पटन रेडियो पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करती है, लेकिन तब तक वो ड्रैगन उसके कनेक्शन को कट कर देता है। दूसरी ओर जब शेरिफ को होश आता है तो वो भागते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता है और सुसी को मैसेज भेजता है जो कि गाड़ी में सो रही थी। वो उसका मैसेज रिसीव करती है तो शेरिफ उसे टाउन में इमरजेंसी मैसेज देने के लिए कहता है, इसलिए सुसी रेडियो लेकर बाहर जाती है और फेस्टिवल की तैयारियां करने वाले सभी लोगों को अपना अपना काम बंद करने के लिए कहती है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन उनकी ओर उड़ते हुए आ रहा है, इसलिए वो सभी सुसी को भागने के लिए कहते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती है। तब तक वो ड्रैगन उस पर अटैक कर उसे मार देता है जिसे डरकर सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन वो ड्रैगन बहुत सारे लोगों को मार देता है और अब वो कैफे पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं घुस पाता है जिसकी वजह से वो वहाँ से वापस चला जाता है। तब उन्हें हास बताता है कि मैं इस जानवर के बारे में जानता हूँ, इनके बारे में मुझे मेरे डैड ने बताया था। इन विशालकाय पक्षियों को वेनर कहते हैं जो सभी बर्फ में छिपे रहते हैं, लेकिन इन दिनों गर्मी की वजह से बर्फ पिघल गई इसलिए ये वेनर बाहर निकल गया। ये सब सुनकर सभी लोग डर जाते हैं, हालांकि उनमें से बहुत लोग अभी तक इसे एक कहानी समझ रहे थे। अब जैक हास से पूछता है
है कि हम इस वेनर से कैसे बच सकते हैं। तब हास बताता है कि इसके लिए हमें से किसी वर्जिन महिला को उसके लिए बलि देनी होगी, मगर जैक इस बात में विश्वास नहीं करता है और वो बाकी लोगों को वहीं पर रुकने को कहकर क्लेयर के साथ शेरिफ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो दोनों गाड़ी लेकर सड़क पर जा रहे होते हैं तभी वो ड्रैगन उनके ऊपर से उड़ता है, इसलिए जैक अपनी गाड़ी को उसी ओर ले जाता है जहां पर वो ड्रैगन नीचे उतरता है और क्लेयर को बताता है कि मैं उस जगह पर जाकर देखूंगा कि वहां पर और कितने ड्रैगन हैं। इसलिए वो क्लेयर को एक पिस्तौल देकर उसे गाड़ी में ही रुकने के लिए कहता है और जब वो खुद वहां पर जाता है तो उसे वहां पर उस ड्रैगन का नेस्ट दिखाई देता है जिसमें उसके अंडे होते हैं, लेकिन उसी वक्त क्लेयर पर वो ड्रैगन अटैक कर देता है जिससे वो चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर जैक भागते हुए वहां पर आता है। तब वो देखता है कि उस ड्रैगन ने उसकी गाड़ी को तोड़ दिया है और क्लेयर भी वहां से गायब है, लेकिन तभी वो पीछे से बाहर निकलती है और जैक को गले लगा लेती है। उसी वक्त कर्नल अपनी गाड़ी लेकर वहां पर आ जाता है और वो सभी उसकी गाड़ी लेकर वापस टाउन की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शेरिफ जब वापस टाउन में पहुंचता है तो वो उन सभी लोगों को मरा हुआ देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी कैफे में बैठे बाकी लोगों को शेरिफ दिखता है और वो उसे जल्दी से अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वो ड्रैगन वहां पर आ जाता है। शेरिफ उस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करता है लेकिन वो ड्रैगन उसे खा लेता है। कुछ देर बाद जब वो तीनों वहां पर पहुंचते हैं तो सभी शेरिफ की मौत से काफी दुखी होते हैं। अब जैक डिसाइड करता है कि वो किसी तरह रेडियो से दूसरी सिटी से कनेक्शन बनाकर उनसे हेल्प बुलाएगा, लेकिन उस ड्रैगन ने उनके कनेक्शन को तोड़ दिया था इसलिए सबसे पहले उन्हें उसे ठीक करना होगा। अब वो सभी शेरिफ की गाड़ी से कुछ वेपन निकालकर एक दूसरे में बांट लेते हैं और बाद में जैक और हैम्पटन छत पर जाकर उस एंटीना को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त वो ड्रैगन वहां पर आ जाता है, मगर किसी तरह वो दोनों बचते हुए वापस कैफे में पहुंच जाते हैं। अब वो उस एंटीना को एक रेडियो से कनेक्ट कर सिटी से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। तब वो उनसे इमरजेंसी हेल्प भेजने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उनका कनेक्शन कट हो जाता है। अब हास और चार्ली बाहर पड़ी गाड़ी से फ्यूल लाने के लिए जाते हैं ताकि वो उस ड्रैगन को मारने का ट्रैप बना सके, लेकिन उसी वक्त वो ड्रैगन वहां पर आ जाता है जो चार्ली पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है। दूसरी ओर हम उस ड्रैगन के नेस्ट के पास पड़े डेविड को देखते हैं जो कि अभी तक जिंदा होता है, लेकिन उसका एक हाथ कटा हुआ होने की वजह से अब उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। अब जैसे ही वो खड़ा होता है तभी अचानक से वो ड्रैगन वहां पर आ जाता है। दूसरी ओर वो सभी कैफे में बैठे नाश्ता करते हैं तभी वो ड्रैगन डेविड को वहां पर लाता है और खुद उनकी छत पर बैठ जाता है। ये देखकर जैक समझ जाता है कि वो ड्रैगन डेविड को एक ट्रैप की तरह यूज करना चाहता है, इसलिए वो सभी को अपने वेपन लोड करने के लिए कहता है और एक साथ सभी बाहर निकलकर उस ड्रैगन पर फायरिंग करते हैं जिससे वो वहां से भाग जाता है। अब वो लोग डेविड को अंदर लाकर उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका था जिसकी वजह से वो मर जाता है। तभी वो सभी देखते हैं कि हेलीकॉप्टर उनकी ओर आ रहा है जो कि दूसरी सिटी से उनकी मदद के लिए भेजा गया है, लेकिन तभी वो ड्रैगन उस हेलीकॉप्टर पर अटैक कर उसे भी क्रैश कर देता है। ये देखकर वो सभी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और अब उन्हें मदद का कोई जरिया नहीं दिख रहा था, इसलिए वो सभी उस ड्रैगन से फाइट करने का फैसला करते हैं और सभी लोग वेपन लेकर जंगल में जाते हैं। तब वो देखते हैं कि उस ड्रैगन के नेस्ट के पास एक जनरेटर है, इसलिए जैक उस जनरेटर के वायर को उन सभी कबाड़ के साथ कनेक्ट कर देता है और जैसे ही वो ड्रैगन वहां पर आता है तो वो शॉक लगने के कारण वहां से भाग जाता है। अब जैक उस ड्रैगन के लिए ट्रैप बनाने के बारे में सोचता है और उस एग को अपने साथ गाड़ी में ले लेता है और बाद में एक ट्रक में उस एग को डालकर माइन की ओर अकेला ही निकल जाता है। ड्रैगन को पता चल जाता है कि उसका एग उस ट्रक में है, इसलिए वो उसका पीछा करता है और बार बार उसे रोकने की कोशिश करता है और जब वो उस पर अटैक करता है तो जैक ट्रक से कूद जाता है और सामने ही खाई होती है जिससे वो ट्रक खाई में गिरकर ब्लास्ट हो जाता है और वो ड्रैगन मर जाता है। उसके मरने के बाद गांव में फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और अब जैक और क्लेयर भी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नई दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।